दिल्ली का दिल्ली एआईसीसी दफ्तर में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद है। सौम्या के पास चलेंगे। सौम्या, ओवर टू यू। जी हाँ आशीष, इस वक्त हमारे साथ श्रीनिवास बीवी जी है। सर, यूथ कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही थी इस चुनाव में, हमने वो भी देखा, और जिस तरह से कन्हैया कुमार एक नए युवा के तौर पर उतरे दिल्ली से, और अब जो है उनका कुछ खास देखे तो रुझान सामने नहीं आया, और जिस तरह उनके रिजल्ट अभी भी काफी लगभग 2 लाख वोट पेंडिंग है काउंटिंग का। अभी इतना जल्दी बोलना और जल्दी हो जाता है बोलना, उसको लेके तमाम ऐसे अभी भी जो कुछ पॉकेट है वो फेवर में है, वो अभी स्टार्ट होने वाला, उम्मीद है वो जरूर उस पर फायदा हो जाएगा। 295 का जो आंकड़ा है उसे किस तरह देखते हैं, क्या शाम तक वो पार हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से जो है कुछ खासा अंतराल दिखा नहीं है। 100% आप बिलीव रखिए, इस बार जो देश का जनता ने संविधान को बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दिया है वो देगा। यहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से जो लोग भी पहुँच रहे हैं, और एक और अहम सवाल ये है कि लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे से निर्वाचन सदन ने जो है कोई अपडेट नहीं दी है। सर, एक सवाल और कि 2 घंटे से जो है वो कोई अपडेट नहीं आई है इसको लेकर के, जिसे लेकर जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी किया, उसे आप किस तरीके से सरकार जो उनका पुराना शैली है जो चंडीगढ़ में हुआ था मेयर के चुनाव में, उस इस पे आने का कोशिश कर रहा है। बट जनता इस बार कार्यकर्ता उनको सबक सिखाएगा, जो भी लापरवाही करे वो लोग ने मनमानी करे तो इसका नतीजा अलग निकलेगा। यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में आ रहे बीजेपी के नतीजों को कैसे देखा? यूपी वो जो इनको नंबर पे आपको पता चला 543 सीट थे, इन लोग ने 600 सीट आएंगे कहाँ से आएगा 600 सीट? पाकिस्तान से आएगा क्या? इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा है इस देश को पीछे ले जाने में, और तमाम इन लोग का जो गलत नीति के वजह से खासतौर पे बेरोजगार युवा, इनको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं।